इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी इमेजेस का क्रेडिट टीवीएस साइक हो जाता है। क्या कर सकते हैं गाइस, मूविंग ऑन टू द इंट्रो। तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग, और स्वागत है आप सबका परमानेंट की न्यूज सीरीज के सेकंड एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन जो रहते हैं वो पहुंच चुके हैं बर्ड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो बर्डमैन से एक सवाल पूछता है। तो परमैन कहता है कि बर्डमैन मुझे एक बात बताओ कि ये जो परमैन सेट हमने पहन रखा है ये आखिर कैसे बना और ऐसा क्या हुआ था कि इस चीज़ को बनाया गया। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम बर्ड प्लैनेट तो एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन जो रहते हैं वो बर्ड प्लैनेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो परमैन जो रहता है वो बर्डमैन के पीछे पीछे चले जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन जो रहते हैं वो एक सुंदर सी जगह पर लैंड कर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो बर्डमैन से कहता है कि ये कौन सी जगह है और हम कहाँ पर हैं। तो बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि यह है बर्ड गार्डन और आगे जो तुम देख रहे हो वो है बर्ड पैलेस। तो बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि अब तुम अपने यूएफओ से बाहर आओ। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो पहली बार बर्ड प्लैनेट की ज़मीन के ऊपर पैर रखता है और परमैन को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ज़्यादातर बर्ड प्लैनेट उसको पृथ्वी जैसा ही लगता है। तो परमैन को ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती, उसको बहुत अच्छा लग रहा था बर्ड प्लैनेट की हवा खाकर। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या। तो परमैन कहता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि चलो अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना भी चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। तो परमैन, जो तुम आगे बर्ड पैलेस देख रहे हो उसके अंदर जाने के बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुमने मुझे पूछे थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन जो रहते हैं वो बर्ड पैलेस के अंदर चले जाते हैं। तो बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि वो जो आगे स्टैचू तुम देख रहे हो वो स्टैचू एक आदमी का है जो बर्ड प्लैनेट का ही था, लेकिन वो फ्यूचर से आया था। तो तभी परमैन कहता है कि क्या, फ्यूचर से? तो बर्डमैन कहता है कि हाँ फ्यूचर से। तो देखो परमैन, तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आया रहेगा और तुम्हें समझाने के लिए मुझे तुम्हें पूरा का पूरा इतिहास बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि परमैन सेट का आविष्कार किया गया। तो देखो परमैन, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये इतिहास जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो परमैन, आज से हज़ारों साल पहले बर्ड प्लैनेट पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला हुआ था। जिस पे बहुत सारी लोगों की जानें चली गई और मानो जैसे बर्ड प्लैनेट नर्क बन चुका था। और वो हमला साधारण हमला नहीं था, वो हमला काली शक्तियों का था और वो काली शक्तियाँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। और उनका जो लीडर था उसने एक मुखौटा पहन रखा था और कोई नहीं जानता था कि वो लोग कौन थे। लेकिन जब हमला ख़त्म हुआ तो उनको लगा कि अब यहाँ पे कोई नहीं बचा, पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो चुका है, तो हमें यहाँ पे रुकने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे 50 से 60 लोग बच गए थे क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। तो जब वो ख़तरनाक लोग यहाँ से चले गए तो हम लोग देखते हैं कि जो 50 से 60 लोग बचे थे वो ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। तो उन्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 2 महीनों बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने एक तेज रोशनी चमक रही थी और वो रोशनी इतनी ज़्यादा ही तेज थी कि वो लोग कुछ भी देख नहीं पाए। तो जब वो रोशनी चली गई तो सब लोग देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी खड़ा है और वो आदमी उनके पास चले जाता है और कहता है कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला हुआ था ना,
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। आज से बहुत साल बाद और एक हमला होगा, और वो हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि बर्ड प्लैनेट का नाम निशान ही मिट जाएगा, और वो हमला काली शक्तियों का ही होगा। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो आदमी रहता है वो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और हमारे वक्त में बर्ड प्लैनेट का नामो निशान मिट चुका है और मैं एक अकेला ही आदमी हूँ जो उस हमले से बच पाया, क्योंकि हमने फ्यूचर में टाइम मशीन का आविष्कार किया था। तो उस हमले से बच के मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो वो आदमी कहता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो फ्यूचर में बर्ड प्लैनेट को तबाह होने से रोक सके। मतलब कि अगर हमने पास्ट में ही एक ऐसी चीज़ का आविष्कार कर दिया तो वो फ्यूचर में जाके एक बड़ी शक्ति का रूप ले लेगा, जिससे हम लोग फ्यूचर को बदल सकते हैं और बर्ड प्लैनेट को तबाह होने से रोक सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 5 साल बाद एक ऐसी चीज़ का आविष्कार हुआ जिससे आदमी की 6600 टाइम्स पावर बढ़ गई, और उस चीज़ में अगले 2 सालों में और भी बदलाव किए गए, जिसके मदद से एक अकेला आदमी 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ पाए, और उस चीज़ से आदमी की दिमागी शक्तियाँ भी बढ़ेगी, और उस आविष्कार को एक नाम दिया गया है, परमैन सेट। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे परमैन सेट्स बनाए गए, और उसके बाद वो जो आदमी था उसे लगा कि फ्यूचर चेंज हो गया रहेगा। लेकिन जब वो टाइम मशीन से वापस अपने टाइम में चला गया चेक करने के सब कुछ ठीक हो गया या फिर नहीं, तो उसे वही खतरनाक लोगों ने पकड़ लिया, और किसी तरह से उस आदमी ने पास्ट में कांटेक्ट करके बता दिया कि ये लोग बर्ड प्लैनेट के साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट्स को तबाह करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट के जो लोग थे वो थोड़े डर जाते हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और बहुत सारे परमैन सेट्स का आविष्कार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहते हैं वो परमैन से कहते हैं कि अब तुम समझे परमैन कि ये परमैन सेट कैसे बना था और ऐसा क्या हुआ था कि परमैन सेट को बनाया गया। तो देखो परमैन, इसलिए हमने सभी यूनिवर्स और सभी डायमेंशंस में 4 से 5 लोगों को परमैन्स बनाया है, अब तुम समझे। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं सब कुछ समझ तो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इतिहास हो सकता है इसका। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो अपनी वॉच में टाइम देखता है और कहता है कि परमैन चलो जल्दी से, हम लोग लेट हो गए, मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे, अब भागो भागो नहीं तो हमें भी पनिशमेंट मिल जाएगी। तो परमैन कहता है कि क्या पनिशमेंट, पृथ्वी पे जो कम था मुझे पनिशमेंट मिलती थी और अब यहाँ पे भी मिलेगी, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है बर्डमैन, अब भागो भागो जल्दी से।